यूपी की नदियां उफान पर है, बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहीं काशी में 7 दिनों के जबरदस्त उफान के बाद आज पहली बार गंगा के जलस्तर में कमी आई है। वाराणसी में बुधवार सुबह गंगा के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की कमी आई, इससे काशी वासियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर आज सुबह 8 बजे 71.96 मीटर दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 72.14 मीटर पर था। वहीं प्रयागराज में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, इससे लोगों को घर छोड़कर छतों पर रहना पड़ रहा है। बीते दिन मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भी बांटी थी। जहां एक तरफ यूपी में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को यूपी में 3 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से यूपी के पूर्वांचल जिले में नमी बढ़ने के कारण भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही बारिश होगी। वहीं बीते 24 घंटे में यूपी में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।